तो मैं धनंजय प्रताप सिंह, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, जैसा कि आज प्रैक्टिस सेट का 13वां प्रैक्टिस सेट आज होगा और 9:30 बज चुके हैं और आपका प्रैक्टिस सेट सामने आ चुका है। आप लोग टेस्ट देंगे, आप अपने आप को जांचेंगे, देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि आप लोग अगर अभी तक 13 प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगाए होंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन रट गए होंगे, क्योंकि समझ सकते हैं 13 प्रैक्टिस सेट रोज 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं। सिर्फ आज ऐसा होगा कि सिर्फ आज 25 क्वेश्चन होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में कितने होंगे? 25। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन ले के रखी बैठिए और फिर क्या करिए, जितने भी आप सही करते हैं उन्हें लिखिए और जितने भी गलत करते हैं उन्हें बताना, जब बाद में आप जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो वीडियो को लाइक प्लीज़ अभी से कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है ये लाइक करने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कई सारे टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं टॉप साइंस के, मैंने 1000 अपलोड किए हैं और मैं जल्द ही मैंने क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ, क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ RPF के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम में, तो ज़रूर उसे भी देखना। अब दोस्तों, आप लोग अपनी इजाज़त दीजिए, यस लिखिए कि स्टार्ट किया जाए आपका टेस्ट, यस लिख के जल्दी से मुझे इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इजाज़त दे दी है तो फिर अब स्टार्ट की जाती है आपकी क्लास और लैब टेस्ट। दोस्तों, आप लोग ये ना क्या करिए कि नाम नहीं पढ़ते हैं सर मेरा ये सबको, देखो जल्दी जल्दी में क्या होता है, आपको जल्दी से जवाब देना होता है, सब कुछ करना होता है, और ज़रूरी नहीं है नाम बताना। देखो, सब लोग देख रहे हैं आपका नाम सामने फ्लैश हो रहा है, ऐसा ना सोचा करिए कि मेरा नाम नहीं लिया, ये नहीं हुआ, ऐसा मतलब सोचा करिए, मुझे दुख होता है फिर आप लोग ऐसा कहते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? मतलब राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, लेकिन उससे पहले अगर हटाया जाएगा तो किस 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 कारण से हटाया जा सकता है, किनके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा? बताइए क्या होगा, ABCD क्या होगा? तो दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, संसद द्वारा। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों लोग मिलकर उसको क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि कैसा होता है इसमें एक अध्यादेश लाया जाता है तो उसके द्वारा उन्हें हटाया जाता है। इम्पीचमेंट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट, या महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं उसे। अब आता सुनामी क्या है, सिंपल क्वेश्चन। चक्रवात, प्रति चक्रवात, भयंकर समुद्री लहरें या इनमें से कोई नहीं, क्या है सुनामी, क्या है बताइए आप लोग, ABCD में से क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन सी, भयंकर समुद्री लहरें। अब आता है मुक्ति थी, क्या थी मुक्ति? मुंशी, सलाहकार, तहसीलदार या रक्षक, क्या था मुक्ति, क्या थी? ऑप्शन ABCD में से क्या होगा बताइए आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सलाहकार। क्या थी मुक्ति? ऑप्शन बी, सलाहकार थी। अब आता है यहाँ पे दोस्तों, कुछ आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़, थोड़ी सी आप शादी का माहौल है तो आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ें वैसी सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, काफ़ी लोग की शादियाँ हो रही हैं, काफ़ी लोग बंधन में बंध रहे हैं, तो उनकी शोर आपको सुनाई दे रहा हो। तो मैं अब आप आउट में थोड़ा आता हूँ, अंदर आता हूँ, लेकिन तब भी आपको थोड़ी सी भांगड़ा अंगड़ा की आवाज़ें सुनाई देंगी, उससे आप मतलब वो ना हो, ये मतलब दिक्कत ना सोचिए, क्योंकि देखो अब क्या हो सकता है, समय मैंने बांध दिया तो उस समय मैं वीडियो लेके आऊँगा, चाहे फिर भांगड़ा बजे चाहे कुछ हो, आपके लिए मैंने अगर कमिटमेंट किया तो वो रहेगा। अब दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन आता है आपका 40, ये तो हो गया। हाँ, जैसे आया मुक्ति थी, क्या थी मुक्ति? मुक्ति में क्या थी बताइए आप लोग? मुंशी, सलाहकार, तहसीलदार या रक्षक, क्या थी बताइए आप लोग? ऑप्शन ABCD क्या होगा? तो दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन बी, सलाहकार। क्या थी? सलाहकार थी। तो सबसे छोटे जल मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे छोटे जल मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, किसका करना चाहिए? हवाओं का, नदियों का, अक्षांशों का या देशांतरों का, किसका करना चाहिए? ऑप्शन ABCD क्या होगा? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, देशांतरों का। किसका? ऑप्शन डी, देशांतरों का। हाँ, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा मधुविद है? कौन सा मधुविद है? मरुद्भिद, अमरबेल, सेब, पपीता या केजू रायना, कौन सा है बताइए? ऑप्शन ABCD में क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केजू रायना, ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन आता है आप लोगों का दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी है ग्रीन हाउस के लिए? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, क्या है? और ग्रीन हाउस के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है बताइए? ऑप्शन ABCD में क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्ति युक्त, देखो दोस्तों यहाँ पे प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो होते हैं उन्हें रोकने की किसके पास मतलब शक्ति होती है बताइए? ABCD में क्या आंसर होगा?
तो दोस्तों किसके पास? सांसद के पास होगी, संसद के पास होती है। और दोस्तों देखो एक बात और सुनिए, जो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है जो मैं लेके आता हूँ, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, उनसे छांट के मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके, तभी आपको क्वेश्चन नंबर अलग अलग मिल जाते हैं, क्योंकि जो जहाँ से मुझे अच्छा लगता है उन्हीं में स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, लेकिन ये होते RPF के प्रैक्टिस सेट से हैं। अब आता है अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? चीन की, UK की, जापान की, जर्मनी की, किसकी है बताइए? अमेरिका के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान की। कहाँ की? जापान की, समझो आप चीन सोच रहे होंगे, नहीं जापान है। अब आता निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक, मतलब 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया, किसने किया, मतलब किस लोकसभा ने किया, मतलब पहली, दूसरी, ऐसे चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं, किसने किया था ये, मतलब 5 साल से ज्यादा का किया। उस वक्त क्या हो गया था मैं आपको बताता हूँ क्या होता, मतलब इमरजेंसी लग गई थी इसलिए कार्यकाल बढ़ गया था, तो आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी। कब? ऑप्शन बी, पांचवी लोकसभा। वो यहाँ पे आया थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन क्या है? विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, इनमें से कोई नहीं, क्या है थायरोक्सिन आपका, क्या है बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हार्मोन बी, ऑप्शन बी हार्मोन है। अतः मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? यहाँ पे आया ऑप्शन ए द्रविड़, बी नागर, सी बेसर, डी इनमें से कोई नहीं। जो मंदिरों की शैली है उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? ABCD किस में जानी जाती है बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन बी नागर, क्या होगा? ऑप्शन बी नागर। आप लोग जवाब देते रहिए दोस्तों, जवाब देते रहिए और वीडियो लाइक भी करते रहिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक आप लोग कर दीजिए वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इतना जरूर करिए। अच्छा किस दिनांक के संघीय सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अधीन सभी विद्यालयों में पेयजल सुविधा प्रदान की? मतलब किस दिनांक से, मतलब आप सभी जो भी आपके विद्यालय हैं पेयजल की सुविधा मतलब प्रदान की गई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, बी 25 दिसंबर, या 26 जनवरी, या 31 मार्च, और ये सन बाद में लिखी आप लोग देख लीजिए। बताइए ABCD क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से आप लोग। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2006, क्या होगा? 2 अक्टूबर 2006। हमारा मरकरी सल्फाइड क्या है? थर्मिलियन, द्रवीभूत गैस, या गाढ़ा तरल पदार्थ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है बताइए? मरकरी सल्फाइड क्या है आप लोग बताइए, ABCD में से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थर्मिलियन, क्या होगा? थर्मिलियन। दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आपको भांगड़े की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन क्या करूँ, अब उन लोग शादी में रोक तो सकता नहीं हूँ, शादी है भाई अगले की, तो चलो उसकी भी शादी हो जाने देते हैं, लेकिन और हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे आता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939, 1938, 1940, 1943, कब किया था ये? ABCD क्या होगा था ये आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1939 में, कब? ऑप्शन ए 1939 में। अब आए निचले गंगा मैदान में, मैदान के पृष्ठ पर अब नमनों को किस रूप में जाना जाता है? जो गंगा के मैदान पृष्ठ होते हैं निचले, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? खातस, नाड, भीतस, या डेल्टा, किस नाम से जाना जाता है? ABCD क्या होगा आपका आंसर इसमें बताइए आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेल्टा, क्या? ऑप्शन डी डेल्टा। मैं बताता हूँ शब्द RAM का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है फुल फॉर्म? रैंडम अवेयरनेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एनी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जल्दी बताइए आप लोग जल्दी क्या होगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल आंसर इसका क्या, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा इसका आंसर। अब आए नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी, क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ABCD में से क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन ABCD क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, नमक सत्याग्रह जो हुई थी उसके बाद फिर क्या किया गया था, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आता EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब किया, कब से प्रारंभ हुआ? 1996, 1997, 1998 या 2000 में कब हुआ था ये आप लोग? EVM का प्रारंभ कब से किया गया, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो वोट डालते हैं जिससे आप लोग लोकसभा राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा में नहीं, लोकसभा विधानसभा में, तो वो कब हुआ था उसका प्रारंभ? ऑप्शन बी 1998 से, कब? 1998 से। अब आता है यहाँ पर राजेंद्र फर्स्ट कावेरी के उद्गम पर एक नई राजधानी गंगोई गोंड चोलपुरम किस उपलक्ष्य में बसाई? जो राजेंद्र फर्स्ट थी कावेरी के उद्गम में नई एक राजधानी बसाई गई थी, कौन सी? गंगोई कोंड चोलपुरम,
किस उपलक्ष्य में बसाई गई थी? पश्चिमी गंगा पर विजय, उत्तरी भारत का सफल अभियान, या बेंगी के चालुक्यों पर विजय, या उड़ीसा के पूर्वी गंगा पर विजय? किस कारण की गई थी? बताइए ए बी सी डी में क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर भारत में सफल अभियान, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अतः आंध्र प्रदेश का मानगुरु शहर किस लिए प्रसिद्ध है? जो आंध्र प्रदेश का मानगुरु शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? तापीय ऊर्जा के लिए, संगमरमर के लिए, भारतीय जल भारी जल के लिए, या कॉटन उद्योग हेतु? किस लिए जाना जाता है आपका जो मानगुरु शहर है वो किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी भारी जल संयंत्र के लिए। किस लिए? भारी जल संयंत्र के लिए। अब आता है गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध के पीछे है? गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध के पीछे है? नर्मदा घाटी, रामगंगा, हरिहंद, या चंबल? क्या होगा ए बी सी डी में से, क्या हो जाएगा आपका आंसर? दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए वीडियो को दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? रिहंद घाटी परियोजना। गोविंद वल्लभ पंत है वो रिहंद घाटी परियोजना के पीछे है। अगर नक्की झील किस राज्य में स्थित है? नक्की झील किस राज्य में स्थित है बताइए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, या पंजाब? आपकी नक्की झील है जो, ये कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए ए बी सी डी कहाँ पर है। आप लोग शायद इसे सोच नहीं पाएंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो आप गलत लगाएंगे, क्योंकि सोच ही नहीं सकते वहाँ पर झील होगी कि नहीं, क्योंकि आप सोचते हो कि वहाँ पानी नहीं है, तो आप लोग शायद ना लगाएं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। यहाँ सांभर झील भी है और आपकी ये नक्की झील भी है, सांभर झील से आपका नमक बनता है। अगर तिलचट्टे के हृदय में की संख्या कितनी होती है? 1, 4, 16, 13 कितनी होती है? तिलचट्टे के हृदय में संख्या कितनी होती है बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13। कितनी होती है? 13 होती है हृदय की संख्या। अब आता है अगार। अगार जो एक जटिल रासायनिक पदार्थ है तथा जिसका उपयोग संवर्धन उपयोगों में होता है, प्रयोग होता है, तो किसमें होता है बताओ? उपयोग में होता है, प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है बताओ? लाल शैवालों से, भूरे शैवालों से, जीवाणु से, या कवक से? किससे प्राप्त होता है ए बी सी डी? क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भूरे शैवालों से। किससे? भूरे शैवालों से। अब आता है भारत सरकार ने बाल श्रम प्रतिरोध तथा विनियमन अधिनियम कब पारित किया था? 1959, 1975, 1986, 1991। बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं भी बड़ा क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैंने टाइम निश्चित किया तो उसी टाइम बनाऊंगा वीडियो, चाहे कुछ भी होता रहे तो मैंने कहा है, तो अब चाहे बैंड बजे चाहे बारात आए तो सॉरी उसके लिए, वैसे मैं भी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कमिटमेंट हूँ तो मैं वही मैंने कमिट किया है, तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, तो मैं वीडियो इसीलिए लाया हूँ, शोर होता रहे होता रहे, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों का लाइव टेस्ट लूंगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, शोर होता है क्या होता है, पढ़ने वालों के लिए सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1986 में। क्या 1986 में हुआ था? अब आता है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, राज भाषा मंत्री, गृह मंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष? कौन होगा केंद्रीय हिंदी मंत्री का बताइए, कौन होगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। क्या होगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। दोस्तों आज तो कुछ कम क्वेश्चन थे, मैंने बताया ही था 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब आप लोगों का एक कार है दोस्तों, इतना जरूर करिए दोस्तों, पहले तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए। फिर आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ, आपने जितने भी सही किए हैं, आपने 10 सही किए तो R बराबर 10, 5 गलत किए तो W बराबर 5, इस तरीके से लिखिए, शरमाइए मत, आप जरूर लिखिए। आपको अगर भविष्य बनाना तो इतना जरूर लिखिए, आप अगर शरमाते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो फिर समझ सकते कितनी समस्याएं आगे आएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, शेयर भी करिए, और जो भी कुछ आपको सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों आज के लिए जो भी डिस्टर्ब हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।